तो आज में देखिए इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल इसमें आए तो आप ऐसे समझिए कि इफ वी हैव अ मास m एंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, हमारे पास कोई एक मास है दैट इज फ्री स्मॉल m, तो आपको अच्छी तरीके से पता है जैसे ही स्मॉल m को फ्री करेंगे अट्रैक्टेड बाय द कैपिटल m थ्रू अ न्यूटोनियन फोर्स f, जो कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स f कह सकते हैं, और अगर फ्री है तो चल देगा वर्क डन W, फोर्स पर यूनिट मास, इसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और अट्रैक्टिव है फोर्स इसीलिए इसको माइनस लिया जाता है। अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, और वर्क आप नहीं कर रहे ऑटोमेटिकली हो रहा है बाय ग्रेविटेशनल पुल, इसीलिए पोटेंशियल को भी नेगेटिव लिया जाता है। This means that if we left a mass near to a big mass, then this mass, the small mass starts to move. It is due to the gravitational pull F. और अगर M चला तो आपको work मिला, तो force per unit mass को आप intensity कहते हैं और work done per unit mass को आप gravitational field potential कहते हैं। अगर हम capital M से स्मॉल r डिस्टेंस पे मास m को रखें तो जो भी इनके बीच फोर्स है दैट फोर्स कैन बी रिटन एज g m m बाई r स्क्वायर, स्मॉल m को इधर लेके आइए, फोर्स पर यूनिट मास जो फ्री है जो चलने के लिए दैट इज अ टेस्ट मास, उसको लेके इधर आइए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास इज द g m बाई R square. Now this is called the gravitational field intensity. I is equal to gm by R square. Means capital M mass से small r दूरी पर जो इसकी capacity है to attract will be the gm by R square. Benefit intensity by definition है force experienced per unit mass. यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड इन एनी मास विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मास, यानी यूनिवर्स के किसी पॉइंट की अगर इंटेंसिटी आपको पता है और उसमें आप वहाँ आने वाले मास या वहाँ सिचुएटेड मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर लग रहा है। दूसरा, ये तो इंटेंसिटी की बात हुई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर स्मॉल m को फ्री करें तो स्मॉल m के चलने की डायरेक्शन में है ये, तो स्मॉल m तो कैपिटल M की तरफ अट्रैक्ट होगा। एक्चुअली में कैपिटल M को हमने हैंग कर रखा है, इसी का फीचर डिस्कस कर रहे हैं, तो कैपिटल M के पास जैसे ही स्मॉल m को हमने फ्री किया स्मॉल m इज अट्रैक्टेड एंड नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास को आपने इंटेंसिटी कहा। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में न्यूट्रल पॉइंट बनते थे वैसे यहाँ भी न्यूट्रल पॉइंट बनते हैं। अगर हम आपसे कहते देर आर टू मासेस m1 एंड m2 केप्ट r डिस्टेंस अपार्ट तो एक चांस बनता है न्यूट्रल पॉइंट का, वो ये कि इनके बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ अगर हम मास को फ्री करें तो वो मूव नहीं करेगा। रीज़न, ये m1 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो m2 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर दोनों के ग्रेविटेशनल पुल काउंटर बैलेंस हो जाए तो वो स्मॉल m हैंग कर जाएगा। अगर मान लेते एक तरफ से ये x डिस्टेंस अपार्ट है तो ऑब्वियसली दूसरे तरफ से ये r माइनस x डिस्टेंस अपार्ट होता। अब m1 और m के बीच जो ग्रेविटेशनल पुल है ये आप लिख सकते थे जी एम वन एम अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इनके बीच ये हो जाएगा जी एम टू एम अपान आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसमें आप देख लीजिए जी
और m g और m कैंसिल हुआ, m1 अपान m1 से सेपरेशन का स्क्वायर इसकल टू m2 अपान m2 से सेपरेशन का स्क्वायर, यानी दो मासेस के बीच में कहीं आपको न्यूट्रल पॉइंट अगर मिलने वाला है तो आप वहां एक मास स्मॉल m रख दीजिए एज अ फ्री, और m1 और m के बीच का ग्रेविटेशनल पुल लिख लीजिए, m और m2 के बीच का ग्रेविटेशनल पुल लिख लीजिए, काउंटर बैलेंस करा दीजिए, इसमें x स्क्वायर आ रहा है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आप क्या कीजिएगा तुरंत रूट ले लीजिएगा ताकि x का क्वाड्रेटिक ना बने, मींस ये रूट m1 by x स्क्वायर कर लीजिएगा और ये रूट m2 by r minus x होल स्क्वायर, बेनिफिट जो भी आप है रूट m1 से, m1 was 3 kg तो रूट 3 हो जाएगा और क्या, लेकिन एक बेनिफिट मिलेगा जो x स्क्वायर था वो x हो जाएगा और ये रूट m2 और जो r minus x होल स्क्वायर था वो r minus x, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का लीनियर इक्वेशन बनेगा तो एक ही आंसर मिलेगा आपको, और अदरवाइज दो फिर मिलेगा उन दो को डिस्कस करना पड़ेगा, अगर एक नेगेटिव आ गया था तो कोई बात नहीं ये कह के छोड़ देंगे कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरली रूट ले लीजिए ज्यादा अच्छा है। दूसरा, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर डिस्कस करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ये है कि अगर आपके पास एक मास था कैपिटल एम और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर आपने एक मास m को फ्री किया, नाउ जैसे ही फ्री किया स्टेप 1 एक फोर्स आया f, तो f आप लिख सकते थे g m m by r स्क्वायर, अगर आपने मास m को चलने दिया से इट इज कवरिंग dr डिस्टेंस एंड डूइंग अ वर्क डन dw, तो आप वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल पुल है into displacement जो उसकी travel distance है, integrate कर दीजिए इसको for net work done, ये हो जाएगा integral f d r, this will be the net work done, और इसको solve कर लीजिए integral f d r that is g m m by r square, ये हो जाएगा now d r, g m m बाहर कर लीजिए g m m integral dr by r square, हमने कोई लिमिट नहीं ली है उसकी जरूरत नहीं है, नाउ ये हो जाएगा r to the power minus 2 dr यानी x to the power minus n dx, x n plus 1 upon n plus 1 सिंपली हो जाएगा g m m, ये हो जाएगा 1 upon r और एक minus 1 यानी ये minus 1 upon r है, नाउ स्मॉल m और माइनस इधर ले आइए, माइनस w by m इज इक्वल टू g m by r, वर्क डन पर यूनिट मास इज द पोटेंशियल, और माइनस मतलब अट्रैक्टिव फोर्स का है, इसका मतलब है आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिल रही है एज द g m by r, अगर आप कैपिटल m मास से स्मॉल r डिस्टेंस पर हाथ रखेंगे तो पोटेंशियल विल बी द gm by r, इसको नेगेटिव लेते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस के पोटेंशियल भी नेगेटिव होते हैं इंटेंसिटी भी नेगेटिव होती है, लेकिन हम लोग को न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है तो शो करने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास इज द पोटेंशियल, यहां से वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल, इसका मतलब है जो ग्रेविटी है उसके दो पैरामीटर आपको मिल रहे हैं, एक मिल रहा है इंटेंसिटी और एक मिल रहा है पोटेंशियल, इफ एनी मास कमिंग हियर देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इज द मास इनटू इंटेंसिटी एंड वर्क डन बाय द मास जो वहां पहुंचा है वो उस पोटेंशियल की वजह से चला है, और अगर चला है तो वर्क डन इज द मास इनटू पोटेंशियल, यानी फ्यूचर में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि किसी पॉइंट की इंटेंसिटी आपको पता है तो वहां जो भी मास है जिस मास को मूव कराना चाहते थे उस मास पर इंटेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस, ये वो ग्रेविटेशनल पुल है जो आप न्यूटन क्लास से निकालते, और अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं कि वो मास कितना वर्क कर सकता है, जैसे अपना पैर आगे कर लीजिए और एक आधा ईंटा गिराइए आपको फील हो जाएगा वर्क डन बाय द आधा ईंटा, ठीक
ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते थे तो आप पोटेंशियल जो जिस पॉइंट पर आपने अध्यय को रखा था उस पॉइंट का पोटेंशियल ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाई मास, जो मास उस अध्यय का था, मीन्स जब कोई मास फ्री होता है टू मूव तो एबिलिटी जो उसकी मूवमेंट की है वो वर्क डन देती है, दैट कैन बी रिटन एज एम इनटू वी। ठीक है, आगे चल के उसको एमजीएच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वर्क डन एमजीएच में कन्वर्ट होगा। फिलहाल हमने दो पैरामीटर डिफाइन किया फॉर एनी मास, द वन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड द अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल बेनिफिट। अगर हम किसी मास को पोटेंशियल में मल्टीप्लाई करता है तो उस मास का वर्क डन निकल जाएगा, अगर वो चलने वाला है तो वर्क डन इन द मोमेंट ऑफ मास, और अगर उस पॉइंट की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एक्सपीरियंस्ड फोर्स आपको पता चल जाएगा। जैसे क्लास 12 में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिस्कस करते थे, वैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल है। यहाँ इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन भी है, अगर आप रिलेशन देखना चाहें तो आप रिलेशन ऐसे देख सकते हैं। आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं ये एक एरो बना देता तो क्या मतलब होता, एक मास को जैसे ही आप फ्री करते वो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो चल देता, क्यों? एरो का मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता दैट इज द एमआर, मास मल्टीप्लाइड इन इंटेंसिटी। चलिए माना ये dr डिस्टेंस मास चल दिया, एंड इन दिस प्रोसेस वर्क डन ऑफ वैल्यू dw इज ऑब्टेन, तो वर्क डन को आप लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ dw फोर्स को लिख सकते हैं m, मास जो फ्री है चलने के लिए इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई, ये हो जाएगा dr। नाउ m को इधर लाइए, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास होता है पोटेंशियल, और जब d लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, दो पॉइंट्स के बीच में अगर मास चल रहा है तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर एंट्री कर रहा है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड तो पोटेंशियल, क्योंकि जब बाहर था तो पोटेंशियल जीरो था और जब ग्रेविटेशनल फील्ड में आया तो पोटेंशियल फेस कर रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज आई डी आर, आई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। जब क्लास 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते थे तो माइनस डी वी बाई डी आर आता था, वो माइनस इसलिए था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, और अगर अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं तो माइनस डी वी बाई डी आर, तो वही तो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, माइनस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चलते थे हम, यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चल रहे हैं, और डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, तो वहाँ भी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कहते थे, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे वहाँ आपके पास रूल होता था रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, बिल्कुल वैसे ही रूल यहाँ भी है। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम में जाएं, एक लास्ट टॉपिक यहाँ डिफाइन किया जाता है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी देख लीजिए, तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाते हैं इन पर बेस्ड। जैसे सबसे पहले आपको देखना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर आप ऐसे समझिए कि m1 एंड m2 आर द टू मासेस एंड इट इज r डिस्टेंस अपार्ट, तो आप ऐसे समझिए ना कि m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड में m2 है, हम वाइसी वर्सा भी लिख सकते हैं, तो अगर m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड में m2 है तो m1 से r डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल लिख सकते हैं जी एम बाई आर, लिख सकते हैं ये हो जाएगा जी एम वन बाई आर, और एम टू इन द पोटेंशियल वी है सो कैपेबल टू डू अ वर्क,
mass multiplied in potential work done होता है and ability of doing work done is the measurement of either the kinetic energy or the potential energy. तो हम इनको चला नहीं रहे हैं, इनको रोके हुए हैं. तो इनके बीच में जो gravitational pull है, उस gravitational pull की potential energy अगर लिखा है, तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे सोचे कि m1 के gravitational field में m2 है, तो m1 का potential लिख लीजिए, तो v1 हो जाएगा gm1 by r, m2 multiplied in v1. Is the ability of doing work by M2. अलग बात है कि हम M2 को चलने नहीं दे रहे, तो इसको हम gravitational potential energy कह रहे हैं. अगर चलने देते तो हम mv square से equate करा लेते, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा M2 v1 is equal to u, यानी gravitational potential energy of masses हो जाएगा, M2 तो रोक ही लीजिए, v1 हो जाएगा g m1 by r. इसका मतलब है कि two masses m1 and m2 separated by a distance r having the gravitational potential energy equal to g m1 m2 by r. ये class 12 के electrostat से match कर रहा है. वहाँ भी तो होता था 1 upon 4 by epsilon q1 q2 by r. अगर एक charge q1 होता, एक charge q2 होता at a distance r होता, तो वहाँ आती थी potential energy, चाहे repulsive हो चाहे attractive. तो उसी तरीके से आ रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ अगर कई सारे मासेस हैं, तो कई सारे मासेस के लिए आपको पेयर बनाने पड़ेंगे. जितने मासेस के पेयर आएंगे उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस, अभी पूरी कर दें तो चल देंगे दोनों. लिखना होगा हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अगर सिर्फ एक को फ्री किया से एम वन को, तो m1 m2 का gravitational pull that is 1 upon g m1 m2 by r is equal to half mv mv square में m1. और अगर दोनों को free करेंगे तो half m1 v1 square plus half m2 v2 square equated to this. अब पता कैसे चलेगा, क्योंकि equation तो एक ही बन रहा है ना, half m1 v1 square plus half m2 v2 square is equal to this में v1 v2 दो unknown है ना, क्या momentum conservation नहीं लग जाएगा क्या m1 v1 square to m2 v2, क्योंकि दोनों पर फोर्स सेम है. इंटरनल हो गया, m1 को फ्री किया तो m1 चल दिया पोसेसिंग द वेलोसिटी v1, और m2 को फ्री किया तो m2 चल दिया पोसेसिंग द वेलोसिटी v2. m1 v1 is equal to m2 v2, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. मतलब अगर दोनों मासेस को फ्री कर देते तो सम ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल एंड m1 v1 is equal to m2 v2. क्योंकि जब म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है तो एफिनिट जीरो हो जाता है, और एफिनिट जीरो होते ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप आ जाते हैं. मतलब दोनों मास को फ्री कर देंगे तो आपके पास दो इक्वेशन होगा, एक तो इतना पोटेंशियल एनर्जी है इसको आप इक्वेट करेंगे हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर से, एंड वी वन वी टू का आपस में रिलेशन होगा एम वन वी वन स्क्वायर टू एम टू वी टू. तो यहाँ से आप ये बता सकेंगे कि दोनों मासेस में से पर मास की वेलोसिटी कितनी है. फिलहाल अभी इसी में मेंटेन है हम. अगर हम कहते देयर आर थ्री मासेस, तो थ्री मासेस के लिए आपके पास देखिए कितने पेयर बनेंगे. नाउ m1 m2 m1 m3 और m2 m3 मींस इस सिस्टम की अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो कैपिटल G कॉमन ले लीजिए, m1 m2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2 प्लस m1 m3, ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसे ही करते थे, m1 m3 अपॉन सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 3 प्लस क्या बचा m2 m3, m2 m3 अपॉन सेपरेशन बिटवीन द 2 एंड 3. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग थ्री मासेस. अगर फोर मासेस होते सेप से कोई मतलब नहीं है कि ट्रायंगल है कि स्ट्रेट लाइन है, आपको पेयरिंग करके देखना पड़ेगा. जितने पेयर बनेंगे उतनी बार जी एम एम बाई आर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. से देयर आर फोर मासेस, अगर फोर मासेस हैं तो देखिए कितने पेयर बनेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड द वन इज सिक्स. आपको छह बार जी एम एम बाई आर लिखना पड़ेगा अगर इस सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जाननी है. ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस दिस अपान दिस प्लस दिस दिस अपान दिस
plus this this upon this plus this this upon this plus this this upon this and this this upon this. तो सोच लीजिए अगर 10 मास दे दिया तो हम उसको निकालते रहे तो आपको 10 मास नहीं है, ठीक है, 4 मास तक अधिकतम देगा, 8 मास से वैसे भी ऊपर नहीं, 4 मास से ज्यादा आपको नहीं देगा, ठीक है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब है आप किसी सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकते हैं, जब फाइनली ये एनर्जी निकल जाएगी इसको साइन नेगेटिव देते हैं, क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये फार अपार्ट नहीं है, ये क्लोज टू ईच अदर मूव करेंगे, ये क्लिप टुगेदर होने की कोशिश करेंगे, यानी अट्रैक्टिव है, हमेशा अट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव लिखी जाती है, रूल है, अट्रैक्शनल फोर्स भी निगेटिव लिखे जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल अट्रैक्टिव होता है। तो इस तरीके से आपके पास अगर ग्रेविटेशनल पुल अट्रैक्टिव है तो उस केस में आप लिख सकते हैं। अब इसमें ये रूल देखिए, जो आपने मेनली देख लिया कि किसी भी मास के लिए, अगर अर्थ छोड़ दें, किसी भी मास के लिए दो पैरामीटर डिफाइन किए, वो अर्थ के लिए भी है, द इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल, और हमने ये भी आपको बताया कि अगर मासेस के कॉम्बिनेशन है तो उनके पास एक एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम वापस लौटे तो आपको एक सॉलिड मास की इंटेंसिटी का कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर मैं कहता दिस इज अ सॉलिड मास, दिस इज अ सॉलिड मास, ठीक है, और ये स्फीयर है, तो अगर हम इससे इसकी रेडियस कैपिटल आर मानते, मास एम मानते, इसके बाहर स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ हम इंटेंसिटी लिखते तो ये हो जाता जी एम बाई आर स्क्वायर, ये गॉस थ्योरम से लिख रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे टोटल चार्ज सराउंड तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था, उसी तरीके से आपके पास यहाँ है, वहाँ होता था इंटीग्रल ई डी ए, यहाँ इंटीग्रल ग्रेविटेशनल फील्ड को कह लीजिए जी बी, तो सॉल्व नहीं करते हैं, जनरली पॉइंट चार्ज की तरह जैसे आप चार्ज बॉडी लेके चलते थे वैसे मास बॉडी लेके चलते हैं। अगर ये कैपिटल एम मास की है और इससे बाहर है आप, तो इसका इंटेंसिटी हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल हो जाएगा नाउ जी एम, एक आर कम कर लीजिए और ये निगेटिव होंगे, निगेटिव से पता चल रहा है अट्रैक्टिव है, आ जाइए आप यहाँ, अगर यहाँ आ गए आप दिस, तो इस केस में आपको ऑन द सरफेस आ गया ना, ये हो जाएगा आई सर्फ इंटेंसिटी एट द सरफेस, ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ये भी माइनस ही लिखेंगे, ठीक है, अगर पोटेंशियल लिखते वी सर्फ, तो वी सर्फ आपके पास एक आर कम कर लीजिए, जी एम बाई आर, साइन में ये भी निगेटिव है, अलग बात है कि न्यूमेरिकल में ध्यान नहीं रखते इसका। और जब अंदर आएंगे तो जो इंटेंसिटी इन आएगा वो वही आएगा जैसा कि ग्रेविटी आता था, आई सरफेस की इंटेंसिटी कितनी, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये वहां इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही आता था, अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप इंटेंसिटी निकालेंगे तो इंटेंसिटी ओवर द सरफेस मल्टीप्लाइड बाई सेंटर से डिस्टेंस अपॉन होल रेडियस, ठीक है। इसमें देख लीजिए अगर मैं कहता एट सेंटर तो जीरो हो जाता, एट सेंटर तो स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, स्मॉल आर जीरो हो जाता तो आई सेंटर इज इक्वल टू जीरो हो जाता, दिस। और अगर आप पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो इसका पोटेंशियल आप लिखते हैं वी इन, वही इलेक्ट्रोस्टैट वाला, दैट इज द वी सर्फ 3/2, ये सब गॉस थ्योरम से आ रहा है, 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये है इन साइड पोटेंशियल, मास की बात हो रही है, ये अर्थ के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सभी प्लैनेट सभी सैटेलाइट और सभी मास के लिए एप्लीकेबल है, कि अगर हम सॉलिड मास की बात करते हैं तो क्लास 12 में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लेके चलते थे उसको फॉलो करते हैं,
ठीक है, इसमें अगर हम सेंटर की बात करें, एट सेंटर, तो एट सेंटर पोटेंशियल जो आता है वो 3/2 वी सर्फ आता है। क्या इसके ग्राफ्स नहीं आते हैं? अगर इसका ग्राफ आपको खींच कर दिखाएं, किसका? सॉलिड स्फीयर का। कि अगर एक मास है जो सॉलिड है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल का ग्राफ कैसा दिखेगा? अगर सॉलिड मास है तो ऐसा दिखेगा, हालो है तो ऐसा दिखेगा। फिलहाल हमने सॉलिड की बात की। इस पर आप ले लीजिए डिस्टेंस वेरिएशन, इस पर ले लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इस पर आप ले लीजिए स्मॉल आर, इस पर आप ले लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, और इस पर ले लीजिए डिस्टेंस वेरिएशन। आर इक्वल टू 0 सेंटर ऑफ मास, आर इक्वल टू आर ऑन द सरफेस, आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड द सरफेस। आपको पता है सेंटर पे इंटेंसिटी 0 है, सरफेस की तरफ जाने पर ये लीनियरली बढ़ेगी, बिल्कुल ग्रेविटी जैसा आ रहा है, जैसा ग्रेविटी आता है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ मास एंड इंटेंसिटी ऑफ सॉलिड मास बिल्कुल एक जैसा है, और ये 1/r² से डिके करेगा ये। जबकि पोटेंशियल अगर आप खींचे तो सेंटर पे पोटेंशियल हाईएस्ट आता है, अगर इधर खींचेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, यहां हम इसको मॉड आई कर ले रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मॉड आई का मतलब है साइन इज नॉट कंसीडर्ड, मॉड वी, साइन इज नॉट कंसीडर्ड, मतलब हमने पोटेंशियल के और इंटेंसिटी के साइन कंसीडर नहीं किए हैं। साइन कंसीडर कर लेते तो मिरर इमेज की बात आती, तब ये ग्राफ अगर नीचे मिरर रखेंगे देखेंगे तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, क्लियर है? दिस, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इंटेंसिटी, बिकॉज इंटेंसिटी इज नेगेटिव, ये हो जाएगा इंटेंसिटी, इधर हो जाएगा डिस्टेंस। ऑब्वियसली मिरर इमेज कैसा दिखेगा? कभी दोनों आंसर नहीं देगा एक लाइन में, क्योंकि दोनों अलाउड है। द मिरर इमेज जब नेगेटिव साइन एक्सेप्ट किए और जब नेगेटिव साइन छोड़े, क्योंकि हम लोग ग्राफ का मतलब होता है चेक करना, तो चेक में दोनों अलाउड है। यही बता रहा है ना कि जैसे जैसे दूर हट रहा है इंटेंसिटी बढ़ रही है, अरे निगेटिव है तो क्या हुआ, और जब और दूर हट रहा है तो इंटेंसिटी घट रही है। तो बतिया तो यहाँ भी वही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है और इंटेंसिटी घट रही है। इसीलिए कभी ये नहीं होगा कि दोनों आंसर एक में दे दें। आपको जो प्रिंटेड दिया गया उसमें चार केस है, चारों का ग्राफ खींच के दे दिया गया है, ठीक है, विद आंसर, ताकि आप सोच पाए। नहीं सोच पाएंगे तो फिर डिस्कस कराइएगा। फिलहाल ये ग्राफ आएगा मिरर इमेज और ये ग्राफ आएगा मिरर, अगर नेगेटिव साइन एक्सेप्ट करना है। यहाँ हमने एब्सोल्यूट नहीं लिखा है, मतलब साइन एक्सेप्टेड, जब ऐसे लिखना है मॉड आई, मॉड वी, मतलब साइन नेगलेक्टेड, और जब ऐसे लिखना है मतलब साइन एक्सेप्टेड, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही ग्राफ होते हैं। अगर नहीं ये ग्राफ दिखा तो मिरर इमेज सोच लीजिएगा इसका, ठीक है, अदरवाइज जनरली ये होता। अगर यही हॉलो स्फीयर होता, हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के लिए आपके पास है कि अगर ये कैपिटल आर रेडियस का है और आप इससे बाहर है कहीं, यहाँ तो बाहर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सरफेस तक आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आप वही रिजल्ट याद रखते हैं। यानी यहाँ इंटेंसिटी हो जाएगा इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जबकि एम इस हॉलो स्फीयर का मास है, एंड पोटेंशियल में एक कम कर लीजिए, वी हो जाएगा जी एम बाई आर। इसमें भी ये अगर लिखे जाए तो थ्योरी में ये नेगेटिव लिखेगा, अगर हम सरफेस पर आ जाए, सरफेस पे, तो सरफेस पे आने पर जो इंटेंसिटी है वो आई सर्फ के नाम से लिखी जाती है, दिस बिकम्स जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जो पोटेंशियल लिखा जाएगा ऑन द सरफेस वो लिखा जाएगा जी एम
पाई आर, ये भी साइन में नेगेटिव ही रखा जाता है क्योंकि सब अट्रैक्टिव है, और जब अंदर किसी पॉइंट पर अपीयर होते हैं एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, तो इस केस में इंटेंसिटी जीरो लेते हैं क्योंकि सारा मास तो सरफेस पे छूट गया, तो कैसा इंटेंसिटी, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट लेते हैं, वी वी इनसाइड उतना ही लेते हैं जितना सरफेस पर था, वी इन इज इक्वल टू वी सरफेस दैट इज कांस्टेंट, यानी ये वही सारा कैलकुलेशन आ रहा है मास का जैसा इलेक्ट्रोस्टैट में आता था। यहाँ बस आपको ये ध्यान रखना है कि सॉलिड मास इज अर्थ एंड हॉलो मास का अलग से, क्योंकि ग्राफ पूछता है आपसे, तो गॉस थ्योरम डिफाइन करते हैं, यहाँ भी उस गॉस थ्योरम से निकालते हैं तो देखते हैं कि वही सारे इक्वेशन फॉलो कर रहा है जो इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैट के गॉस थ्योरम में कंडक्टिंग हॉलो और कंडक्टिंग सॉलिड के केस में आता था। अगर ग्राफ खींचकर आपको दिखाए तो ग्राफ इनका जो आएगा वो ऐसे आएगा, इंटेंसिटी और आर के बीच में बाहर ना, तो क्या बाहर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और अंदर, अरे नेगेटिव है तो इधर आ जाइए, नीचे आ गया, और दोनों एक ही चीज है, ये बता रहा है इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है एज वी मूव ओवर द सरफेस, ये भी तो बता रहा है इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है एज वी मूव ओवर द सरफेस, नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव होता है ना, तो हमें कह रहे हैं कि साइन के साथ देगा तो ये पलट देगा, साइन के बिना देगा, दोनों एक ही चीज देगा, ये साइन छोड़ कर कह रहा, ये साइन एक्सेप्ट कर, हमारा काम इसी से हो रहा है, ये तो स्पेशल केस है कि झला दे आपको मारते ग्रफ हुए ना दे, इसीलिए उसमें थ्योरी जो क्वेश्चन सीट दिया गया है उसमें दोनों ग्राफ हैं, प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी, इसमें क्या है अंदर सॉलिड मास के अंदर होते हैं तो इंटेंसिटी लीनियरली बढ़ती है, अब बाहर हटते हैं तो इंटेंसिटी 1/r² से रिड्यूस करती है, ठीक है, दोनों में वही है, हॉलो में भी वही है, लेकिन अंदर का रूल बदल जाता है, इसमें अंदर इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है जबकि इसमें अंदर इंटेंसिटी है ही नहीं, और इसमें अंदर पोटेंशियल वेरी कर रहा है और इसमें अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है, ये अंतर है, ये सब रटना पड़ेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिजल्ट में वहाँ समझाया जाता है कि क्या यहाँ गॉस थ्योरम दोबारा डिफाइन कर रहा है, झुटकन जलाए, ठीक है, अगर हम हॉलो स्फीयर का ग्राफ खींचे हॉलो स्फीयर का तो आपके पास ग्राफ आएगा दिस, इंटेंसिटी का ग्राफ आता है दिस, ये, और पोटेंशियल का ग्राफ आता है दिस, वही माइनस करना होगा तो नीचे मिरर इमेज करेंगे, पलट दीजिए नीचे इसको, मिरर इमेज हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर, या बाहर आ गए, ठीक है, ये वी प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर है,
ये I proportional to 1 upon R square है, I in 0 होता है, जबकि V in constant होता है। नीट 2015 की एक प्रॉब्लम लीजिए और उसके पहले IIT 2014 की प्रॉब्लम लीजिए, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम पूछा था उसका, एक तो पूछ लिया नीट में, दूसरा छोड़ रखा है। तो ग्राफ एकदम रटे रहने चाहिए, इसमें दो है हॉलो और सॉलिड। क्वेश्चन पूछा था तो पोटेंशियल इंटेंसिटी दोनों सर सरफेस के और बाहर का बनाएगी, दोनों सर एक दूसरे के इसको वेरी करे नहीं, ये 1/r² का वेरिएशन है, ये 1/r का वेरिएशन, ये स्लोली है, ये क्विकली है। तो 1, 2, 3, 4 रख के ट्रेस करो का क्या आंसर, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। हाँ, वो रख के आप देख लीजिए, 1/r का जो आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आता है, 1/r² का ही आता है, बस 1/r² का स्लोप ज्यादा आता है और 1/r का स्लोप कम आता है, शेप में वो बिल्कुल आइडेंटिकल। क्वेश्चन ये था सॉलिड स्फीयर ठीक है, रेडियस इज वी, रेडियस इज आर, मास इज एम और स्कूप आउट करने वाले हैं ये इतना, स्कूप आउट। दो क्वेश्चन एक साथ पूछ रहे हैं, पहला अगर इससे ट्वाइस आर डिस्टेंस पे आपसे हम इंटेंसिटी पूछे अभी, तो अभी ये इंटेंसिटी कितनी, क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर है आप मास m रेडियस r, इससे ट्वाइस r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है वहां आपको इंटेंसिटी बतानी है, तब जबकि आपने इसमें से एक और सॉलिड स्फीयर स्कूप आउट किया है फ्रॉम बिग सॉलिड स्फीयर, और दूसरा ये I1 पूछ रहे हैं, और दूसरा हम यहाँ कटआउट के सेंटर पर आपसे इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, आई एट द सेंटर ऑफ कटआउट स्फीयर, ठीक है, जो अंदर वाला है ये नीट 2015 का है और जो बाहर पूछा है वो IIT 2014 का है। बाहर वाला कठिन है, अंदर वाला आसान है, तो ऐसा क्यों, ठीक है, इसीलिए बाहर वाला IIT में गया और अंदर वाला नीट में आया। अब जरा आपको सोचवाते हैं, अगर ये एज अ होल सॉलिड स्फीयर होता तो इससे ट्वाइस आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हो जाती पूरे स्फीयर की, Gm/r² में r इज दिस, यानी कि फॉर फुल सॉलिड स्फीयर, फॉर फुल सॉलिड स्फीयर, फॉर फुल सॉलिड स्फीयर इंटेंसिटी एट पी, नाम दे दे रहे हैं आप, इंटेंसिटी एट पी अरे बाप, इंटेंसिटी एट पी क्या लगेगा, Gm/r² जी इज द जी, एम इज द एम एंड आर दैट इज द 2r दैट इज 4r स्क्वायर, ये तो तब है जब पूरा सॉलिड स्फीयर है। अब खाली कटआउट के बारे में सोचिए तो कटआउट का मास कितना, m/8, अब तक तो क्लियर हो गया ना, सॉलिड स्फीयर में से सिमेट्रिकल सॉलिड स्फीयर कटता है तो m/8, और डिस्क में से डिस्क कटता है तो m/4, जब स्पेशली एज से लेके सेंटर तक की बात होती है, यानी एक तो ठीक था फॉर फुल सॉलिड स्फीयर इंटेंसिटी एट इज दिस, ठीक है, अभी हम सिर्फ कटआउट की बात कर रहे हैं, कटआउट तो कटआउट का मास कितना है, कटआउट का मास है m/8, ठीक,
और कटआउट के सेंटर से डिस्कशन पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1.5 आर हो जाएगी, ये आधा आर ये हो जाएगा, और 2 आर में से हटा लीजिए, इसका मतलब है कटआउट का मास हो जाएगा m बाई h, और सेपरेशन ऑफ p हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ p हो जाएगा हमारे पास 1.5 आर। इतना क्लियर है? तो क्या कटआउट की इंटेंसिटी नहीं पता चल जाएगी क्या? कटआउट की इंटेंसिटी खुद एक, बाकी आप पूरे बॉडी हटा लीजिए, खाली इतना सोचिए ना, इसके बारे में सोचिए। तो इसका यहां हो जाएगा जीएम बाई आर स्क्वायर में एम इसका, और आर की जगह आपको डेढ़ आर लेना पड़ रहा है, मतलब आई डैश हो जाएगा, कटआउट की इंटेंसिटी हो जाएगी जी एम, एम की जगह एम बाई एट, मास सही सोचे है ना, एम बाई एट और बाई आर स्क्वायर, आर है 1.5 आर स्क्वायर। नहीं समझ में आएगा तो बताएगा दूसरे तरीके से लगाए, क्या दूसरा तरीका, पहले भी ऐसी एक प्रॉब्लम लगाए, खुला न्यूटन फोर्स निकालना था, एक पूरे बड़े मास का फोर्स था, और फिर कटआउट करने के बाद आपसे फोर्स पूछा था, तो भी तो यही मेथड लगाए थे। तो ये हो जाएगा आपके पास जी एम बाई एट, ये कितना हो जाएगा 2.25 आर स्क्वायर, मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये जी एम बाई 18 आर स्क्वायर। क्लियर है? आई वन का आंसर क्या है, आई वन क्या है, इतना लगता जब पूरा था और इतना लगा सकता है वो, और वो हटने वाला है वहां से, वो अपनी इंटेंसिटी लेके जाएगा, जहां जाएगा वहां अपनी इंटेंसिटी लगाएगा। इसका मतलब है फाइनल आंसर हमारे पास है, फाइनल आंसर वो फुल फ्लेस जो इंटेंसिटी लगाया था वो जी एम बाई 4 आर स्क्वायर की लगाया था, में से इतना आप निकाल के हटाने वाले हैं, ये हो जाएगा जी एम बाई 18 आर स्क्वायर। ठीक है, 18 माइनस 4 14 अपॉन 18 इंटू 4 72 हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आंसर। दिस कि अगर हमने सॉलिड स्फीयर में से एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर कट किया अंडर सिमेट्रिकल सिचुएशन, उस केस में जो इंटेंसिटी थी एट द पी, वो इंटेंसिटी घट के 7/36 जी एम बाई आर स्क्वायर हो गई। जब नीट में पूछा तो बाहर पॉइंट हटा के अंदर पूछ लिया, तो जरा सोच करके देखिए, इसी को दोबारा लगाए कि अंदर पूछ रहा है इंटेंसिटी, तो ध्यान से देखिएगा, नया शायद ना समझ में आए आपको, क्योंकि थोड़ा सा कंसिडरिंग है, ये सॉलिड स्फीयर मास m है इसका, रेडियस r है, ये कट आउट करने वाले हैं, ये भी सॉलिड स्फीयर ही होगा, और हमने पूछा है यहां i बताइए। स्टेप वन, पहले पूरे बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट लिखिए, और स्टेप टू कट आउट का उस पॉइंट पर लिखिए, फिर दोनों का डिफरेंस लीजिए, यही ना कंक्लूजन बना। क्या बेनिफिट मिलेगा, कट आउट का तो सेंटर है ना, और सेंटर पर तो इंटेंसिटी जीरो होता है, यानी एक स्टेप कम हो गया, आपको कट आउट का इंटेंसिटी नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि कट आउट बॉडी की इंटेंसिटी उसके पॉइंट पर तो सेंटर पर तो जीरो होती है, यानी खाली क्या निकालना पड़ेगा, पूरे बॉडी की इंटेंसिटी एट दैट, आपका काम हो गया। लेकिन जानते हैं क्या किए सब, ऐसे बोले कि पूरे मास m से m/8 हटा लीजिए, जो बचेगा उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, गड़बड़ा गया,
स्टेप फॉलो कीजिए, तो स्टेप क्या था, पहले पूरे का इंटेंसिटी निकालते थे एट द गिवन पॉइंट, अभी भी तो वही करना चाहिए, पूरे की इंटेंसिटी निकालिए एट द पॉइंट, चलिए पी कह ले रहे हैं, एट पी इंटेंसिटी ऑफ फुल सॉलिड स्फीयर, इंटेंसिटी ऑफ फुल सॉलिड स्फीयर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, आई सरफेस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, अंदर है ना बॉडी के अंदर होते हैं सॉलिड स्फीयर के, तो इंटेंसिटी होती है आई सरफ यानी जीएम बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, यही ना, मान लेते हैं रटे हुए हैं ऐसे रटा जाता है सरफेस की इंटेंसिटी और स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो भाई सरफेस की इंटेंसिटी तो जीएम बाई आर स्क्वायर और स्मॉल आर कितना लेना है आर बाई टू ना, जिस पॉइंट पर डिस्कशन मांग रहे हैं वो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस शो कर रहा है, यहां से यहां तक r बाई टू शो कर रहा है और y ये हो गया r, क्लियर है ना, यहां से r r कैंसिल, ये हो गया 1 बाई टू जी एम बाई आर स्क्वायर, अब क्या कहना चाहिए, अब आपको कहना चाहिए कट आउट मास, कट आउट मास, तो कट आउट मास है m बाई एट और पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इट्स सेंटर, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इट्स सेंटर, डिस्कशन इज इट्स सेंटर, और आपको पता है अगर ऐसा है तो आई सेंटर किसका, कटआउट का, ये तो जीरो हो जाएगा ना, कटआउट के सेंटर पर कटआउट की इंटेंसिटी जीरो, इसलिए आंसर वही रह गया जीएम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं 2019 के लिए ऐसे करते हैं तो क्योंकि भाई दोनों तो दे दिए, तो अगर ऐसे करते हैं इस सिचुएशन को तो ये हटा दें, यानी आपको फाइनल आंसर मिला था हाफ जी एम बाई आर स्क्वायर, अब एक सजेशन दे रहे हैं 2019 के लिए कि ऐसे सिचुएशन होता तो क्या करते, सॉलिड स्फीयर, और क्यों हॉलो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अर्थ की मेनली हम लोग को फीचर देखना है, तो 99.99 सॉलिड स्फीयर ही है, हॉलो का बहुत करेंगे तो ग्राफ पूछ लेंगे आपसे, सॉलिड स्फीयर इसकी रेडियस है आर, इसका मास है एम और इसमें से हमने ये कट किया, ठीक है, हम आपसे यहां इंटेंसिटी पूछ रहे हैं आफ्टर कट, बताइए क्या करें, आई इज इक्वल टू व्हाट आफ्टर कट, ये चलिए आंसर ही बता दीजिए, अच्छा क्या करेंगे, पूरे मास का सरफेस वाला लिख लेंगे, ठीक है जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया, कटआउट का मास ढूंढेंगे, एम बाई एट रेडियस ढूंढेंगे, आर बाई टू उसका भी तो सरफेस है, उसका भी सरफेस वाला लिखेंगे, दोनों कटेंगे, सही सोच आंसर, तो जरा निकाल के देखें क्या आएगा, डायरेक्ट अगर देखें तो हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर पूरे का और माइनस जी एम बाई एट अपान आर बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर टू वन बाई टू, वन बाई टू जी एम बाई आर स्क्वायर आएगा, ये आएगा आंसर 4 by 8, 1 by 2, 1 minus 1 by 2, 1 by 2 GM by R square, answer आएगा। नहीं समझ में आया, है ना, सिंपल है, मतलब ये और आसान हो गया, बल्कि बाहर निकालने में ज्यादा कष्ट है, सेंटर में निकालने में कष्ट नहीं है, और कष्ट तब पड़ेगा जब इंटेंसिटी नहीं पोटेंशियल पूछेगा, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला टेढ़ा मेढ़ा है,
3 by 2 minus 1 by 2 small r square by capital R square multiplied by V sir. तो कितना हो जाएगा? वैसे 1979 से लेकर अभी तक कम से कम अर्थ के लिए पोटेंशियल तो नहीं है पूछा, जब भी पूछा है इंटेंसिटी पूछा है, ठीक है? अगर कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में या टीपीपी देते हैं तो सॉल्व कराएंगे, अदरवाइज आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन आता है कॉल्ड बाइनरी स्टार, तो जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सेटेलाइट में एंटर करना चाहिए, लेकिन तीन ऐसी प्रॉब्लम है जो अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो जरा उनका डिस्कशन उठा लें यहाँ, तो देखें अगर आ जाए तो क्या आप कर पाएंगे।